ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज YouTube चैनल पर। आज मैं आपको होली के उपाय बता रहा हूँ। होली का दिन सबसे बड़ा और पवित्र दिन होता है। होली के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए आपको यह उपाय जरूर करने चाहिए। जिस भी दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ रही है, यानी आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन प्राप्ति नहीं हो पा रही है, प्रत्येक कार्य में रुकावट आ रही है, तो आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। सबसे पहले तो इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा करें और आप व्रत भी रखें। भगवान के सामने केले का फल रखें, भगवान के सामने मंत्रों का जाप करें और वह प्रसाद आप जरूर खाएं। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। होलिका दहन के समय जब होली जल रही हो तो उस समय क्या करना है, तीन चीज़ें आपको होलिका दहन में डालनी है जिसका बड़ा महत्व है। आपके जीवन से हर प्रकार के दुख दूर हो जाएंगे और प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपके घर में कोई लोहे की कील पड़ी हो वो ले जानी है और जहाँ पर होलिका दहन होगा वहाँ पर आपको चुपचाप रख देनी है और दूसरे दिन यह कील ला करके घर के मेन दरवाजे पर आपको गाड़ देनी है। इससे घर की सारी व्याधियाँ दूर हो जाएंगी। दूसरा, एक सूखा घोला लेना है, उसमें आपको पंचमेवा, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 चावल, 5 तिल के दाने डालने, उसे ढक्कन से बंद कर देना और अपने ऊपर से 7 बार उसार करके जलती हुई अग्नि में डाल देना। इससे आपकी सारी व्याधियाँ, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। तीसरा, गेहूं की जो बाली होती है वह आपको भून करके खानी है। इसमें परिक्रमा देनी है और गेहूँ की बाली भून के खानी है। साथ ही शिवलिंग पर आपको गेहूं की बालियां चढ़ानी हैं। रात को चंद्रदेव के दर्शन करने हैं और चंद्रदेव को अर्घ देना है। साथ ही भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी को रात को खीर का प्रसाद आपको समर्पित करना है और वह आपको खाना भी है। इससे आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह उपाय बेहद ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। देखने में साधारण है लेकिन इनका जो प्रभाव है वह बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। होली का दिन सबसे बड़ा और पवित्र दिन होता है। गर्भवती महिला को ध्यान रखना है कि होलिका दहन के समय ज़्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि होली की जो रात होती है इसमें किए किराए का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। कोई भी चीज़ नीचे पड़ी है तो उसे लांगना नहीं है। इन बातों का ध्यान रखें और इस उपाय को करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते।